T20 वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा ऐलान, 5 धांसू खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, अब T20 क्रिकेट को अलविदा कहेंगे ये दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जारी है, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के बाद से कई धांसू खिलाड़ी अब क्रिकेट के मैदान को छोड़ देंगे। ये धांसू खिलाड़ी T20 में अब आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। इन 5 खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में अब ये 5 खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे ये खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कौन से 5 खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट, जी हाँ दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेंट बोल्ट को बड़ा झटका लगा है। ट्रेंट बोल्ट ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और अब कभी क्रिकेट के मैदान में न्यूजीलैंड के लिए T20 खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। डेविड वार्नर, जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर का भी ये आखिरी साल है T20 वर्ल्ड कप का, और अब वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप तो छोड़िए, अब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 भी नहीं खेलेंगे। डेविड वार्नर एक दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वो ऑस्ट्रेलिया के ढेर सारे टेस्ट मैच तो खेल ही चुके हैं, वनडे भी बहुत खेले हैं, लेकिन T20 में भी उन्होंने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। और ऐसे में डेविड वार्नर चाहते होंगे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बने और वो चैंपियन बनकर ही इस T20 फॉर्मेट को अलविदा कहें। ऐसे में डेविड वार्नर जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी अब आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए दोबारा T20 खेलते हुए दिखाई नहीं देगा। डेविड वीज, जी हाँ दोस्तों, डेविड वीज कभी साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला करते थे। ये जबरदस्त ऑलराउंडर बाद में नमीबिया चला गया। नमीबिया के लिए इस खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, अकेले दम पर इसने नमीबिया को उठाकर रख दिया है। नमीबिया की टीम बड़ी अच्छी बन गई, नमीबिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने लग गया और वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करने लग गया। लेकिन डेविड वीज ने अब कह दिया है कि वो क्रिकेट को छोड़ देंगे, वो नमीबिया के लिए अब T20 क्रिकेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, उनके अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, वो इधर उधर क्रिकेट खेलेंगे, वो IPL या फिर दूसरे लीग में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अब वो नमीबिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वैसे भी अब अगला T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद होना है और डेविड वीज चाहते हैं कि वो अगले T20 वर्ल्ड कप में युवा खिलाड़ियों को मौका दे जो नमीबिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सके। रोहित शर्मा, जी हाँ दोस्तों, अब T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा आपको कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कप्तान है और उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेले थे और अब रोहित शर्मा चाहते हैं कि वो 2024 में T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताकर ही दम ले, और टीम इंडिया को जब वो अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे उसके बाद वो इस फॉर्मेट को अलविदा कह दें, क्योंकि रोहित शर्मा अब आगे T20 नहीं बल्कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। रोहित शर्मा टेस्ट में भारत को चैंपियन बनाना चाहते हैं और इसके साथ ही वनडे में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताना चाहते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद अब आपको शायद T20 क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई भारत के लिए नहीं देंगे। मोहम्मद आमिर, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर की इस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में वापसी हुई थी। मोहम्मद आमिर एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है, लेकिन अब उनका करियर ढलान की ओर जा रहा है। मोहम्मद आमिर के अंदर अभी भी दमखम बाकी है, लेकिन वो अब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ना खेलकर वो दुनिया भर की T20 लीगों में खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां से वो पैसा कमाएंगे। ऐसे में मोहम्मद आमिर भी इस बार T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही क्रिकेट को अलविदा कह देंगे और अब पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये 5 खिलाड़ी अब आपको T20 में खेलते हुए दिखाई अपनी अपनी टीमों के लिए, यानी कि अपने अपने देशों के लिए नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज पर भी हमें फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए।